यदि कभी आपकी कोई गाड़ी पुलिस द्वारा सीज कर ली जाती है, पुलिस ऑफिसर कहता है जाके अब छुड़वा ले अब अपनी गाड़ी, आपको बताता तक नहीं है कि वो गाड़ी मेरी छूटेगी कैसे, तो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी कोने पे रोकता है और बोलता है कि भाई आपकी गाड़ी सीज होगी, आपके पास वैलिड लाइसेंस या आरसी नहीं है, अगर होती है आप मंगवाते हो घर से, उससे पहले ही आपकी गाड़ी को जब्त कर लेता है, तो उसको छुड़वाने का तरीका क्या है? सबसे पहला ऑप्शन होता है कि एसीपी साहब के पास जाओ, वहाँ के कंसर्न, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के दो आपकी गाड़ी सीज है, उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद आपकी गाड़ी को रिलीज कर दिया जाएगा, आपकी उस एप्लीकेशन को अलाउ करके उस पर स्टैम्प और साइन करके वो आपको दे देंगे, और उसके बाद वो एप्लीकेशन आप माल खाने के अंदर जाकर दिखाएंगे जहाँ पर आपकी गाड़ी सीज करने की चाबी जमा होगी, वहाँ से आपकी गाड़ी को रिलीज करके आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी किसी केस में सीज कर ली गई है, किसी एक्सीडेंट में, किसी केस के अंदर जिसके अंदर आप उससे ट्रैवल कर रहे थे, उस चीज़ को दिखाने के लिए आपकी गाड़ी को सीज कर लिया गया है, कोई रोबरी हुई है या आपकी गाड़ी को किसी ने चुराया, रोबरी हो गई, किसी भी केस के अंदर अगर उसको जब्त कर लिया है, तो उसको छुड़वाया कैसे जाएगा? उसके लिए एक सुपरदारी की एप्लीकेशन जो है हम कोर्ट में फाइल करते हैं, सुपरदारी की एप्लीकेशन टेकअप होती है, उस पर पुलिस का रिप्लाई आता है, रिप्लाई आने के बाद आपकी गाड़ी को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए अगर आप ओनर हैं तो आपको कोर्ट के अंदर जाना होगा, वहाँ जाकर बताना पड़ता है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपकी है, आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और अपना आरसी प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर वो आपके पास नहीं होते हैं, ऑनलाइन वाला भी चला सकते हैं, अगर वो है आपके पास मौजूद उस समय नहीं है तो। थैंक यू।